गणेश जी। श्री गणेश जी के बिना कोई भी कार्य का शुभारंभ नहीं होता है। किसी से आशय या आंकलन लगाया जा सकता है कि हमारा जितना भी शुभ कार्य है जीवन का, और वेद पुराण शास्त्र समग्र देवी देवताओं में सर्वोपरि अग्रगण्य पूजा श्री गणपति जी की होती है। श्री गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपन्न और परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ गणेश जी को श्री गणेश के रूप में, श्री गणेश यानी प्रथम पृष्ठ में श्री गणेश जी को रखा गया है। इसके पीछे भी माता पिता की पूजा के साथ में ये कथाएं जुड़ी हुई हैं। प्रथम पूजा माता पिता की अर्चन और परिक्रमा के माध्यम से तो हुई, लेकिन सर्वोपरि गणेश जी गणपति जी की प्रथम पूजा श्री राम नाम के जाप से ही होती है। नाम प्रभाव जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान का नाम ये सर्वोच्च है, जो अमिट है, अकाट्य है। चाहे वो भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, चाहे आलस्य से लिया जाए या क्रोध में लिया जाए, किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि शास्त्रकारों ने लिख दिया, आप आकाश में रहें, पाताल में रहें, सामान्य भेष में रहें, छद्म रूप में रहें, लेकिन राम नाम का उच्चारण करने वाला, राम नाम का जापक, नाम जाप करता तो कहीं कोई प्रावलंब नहीं हो सकता है। पाताल भूतलभ्यो मचारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सकता स्थे रक्षितम राम नामम। इसलिए श्री गणपति जी गणेश जी का आज अवतरण दिवस है। लग रहा है कि अपने लोक से हम सब को संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, सुख संपदा प्रदान करने के लिए गणपति महाराज का आगमन हो रहा है, ये प्रतीत भी हो रहा है। गली गली में, घर घर में आज श्री गणेश जी की अर्चन और आराधना हो रही है। इससे प्रतीत हो रही है कि हम सब हर्षोल्लासित होकर गणपति जी की ओर मुख कर रहे हैं। नाम प्रभाव जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। वो नाम श्री राम जी का नाम है, जिसको गणेश जी ने अहर्निश जाप किया, अखंड जाप किया, अनंत भार जाप किया, उसी का प्रभाव प्रताप से प्रथम पूजा श्री गणेश जी की होती है। श्री गणेश जी के बिना नाम रूप लीला धाम ये चतुष्टय साधन है शास्त्रों में। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम, ये चारों का सेवन गणपति जी ने किया, और नाम का विशेषण में जाप इन्होंने किया, इसलिए इनकी प्रथम पूजा होती है। और नाम के प्रभाव का जो अवलंब ले ले, नाम जापक जो हो जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसऊ नाम जपत मंगल दिशि दसऊ। नाम प्रभाव जान घन राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी की प्रथम पूजा, इसलिए जो प्राणी जीव मात्र जो श्री गणेश जी की शरणागति हो जाए, मनुष्यों की छोड़िए, उनके वाहन तो चूहा चूहा भी है, चूहे का भी जो संरक्षक हो जाए और जो चूहे को वाहन बना ले, और जिसका चूहा से भी वो स्नेह हो, जन जन से, कण कण से वो स्नेह हो, कि केवल मानव से नहीं, जीव मात्र से जो प्रेम करता हो, और जीव मात्र का जो पोषक हो, वही गणेश हो सकता है। गणेश जी तो अनंत हैं, चाहे जितना विशाल, उनकी मापदंड विशालता से नहीं है, उनका मापदंड भगवान अनंत हैं, और श्री गणेश जी गणपति जी अनंत हैं। वो कण कण में भी हैं और पर्वताकार स्वरूप में भी हैं, सभी जगह गणेश जी हैं, और सभी मंगल मूर्ति के रूप में मंगल प्रदायक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यंतु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत का सम्यक प्रतिपादन श्री गणेश जी से ही होती है। हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान आदि में या गृह पूजा हो या वैदिक पूजा हो मंत्र पूजा हो उसमें प्रत्येक पूजन में सर्वोपरि सर्वप्रथम श्री गजानन महाराज की पूजा होती है। आज गजानन महाराज का विशेष दिवस, जैसे भगवान तो कणकण में है लेकिन चैत्र के रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी का अवतरण है, वैशाख के नवमी के दिन श्री जानकी जी का अवतरण है, इसी प्रकार से आज गणपति जी का अवतरण दिवस है। भगवान अवतरित हो रहे हैं सूक्ष्म रूप से बृहदाकार रूप में आकर सबका मंगल करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और गणेश जी के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए उनके श्री चरणों में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जन जन को कण कण को कल्याणप्रद के रूप में सबको आह्लादित करें और आच्छादित करें और सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का सम्यक प्रतिपादन श्री गणेश जी की पूजा से होती है। इसलिए मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती धनुषाय सार्वभौमाय मंगलम, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सब यश और कीर्ति के भागीदारी में उत्कृष्ट श्रेणी में जाएं, उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएं, ऐसी में मंगल कामना श्री गणपति जी के श्री चरण में है। मैं रसिक पीठाधीश्वर महान जन्मेजेश्वरन श्री अयोध्या धाम से आकर गणपति जी के अवतरण दिवस में आप सबों के बीच में हम सबसे सबके मंगल कामना के लिए और विशेष करके श्री अरुण जी जो हमारे विशेष इस प्रतिष्ठा के मूल कर्ता धर्ता और सभी आयोजक हैं, हमारे अरुण जी को, अरुण जी के सुपुत्र गौरव जी को, अनुभव शर्मा जी को और हमारे साथ हमको लाने वाले श्री प्रशांत जी दिल्ली से और यहाँ से भी सब जगह सर व्यापी हैं, अयोध्या भी सब जगह श्री प्रशांत जी हमारे साथ में, युवराज भैया जो फिल्म बनाए हैं, हमारे पुनीत भैया, श्री सिद्धार्थ जी, संतोष मिश्रा जी और हमारे साथ दीपक जी जो आए हैं, सब श्री गणेश जी के श्री चरणारविंद में सबकी ओर से मंगल कामना। और हमारे अरुण जी के सपत्नी यहाँ आकर के पूजन में सम्मिलित हुए, प्रार्थना में सम्मिलित हुए, उनकी सब परिवार को, सब इष्ट मित्रों को और सभी उनके जितने भी कंपनी में जुड़े हुए जन हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, चैनल के जितने पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ कनिष्ठ, सभी को मैं मंगल कामना देता हूँ और पूरे महाराष्ट्र को बम्बई चैनल के माध्यम से और पूरे देश के प्रति मेरी मंगल कामना है कि गणेश जी तो केवल एक के नहीं हैं और एक वर्ण और वर्ग के नहीं हैं, एक क्षेत्र के सीमा में बंधे नहीं हैं, ये व्यापक हैं और उदयाचल से अस्ताचल तक और समग्र भूमंडल के नायक हैं और प्रणेता हैं गणेश जी। सभी के प्रति, यहाँ तक कि सभी जड़ चेतन सभी के मंगलकर्ता हैं, मंगल मूर्ति हैं, उनके श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी का मंगल हो। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। धन्यवाद।
गुरु जी अयोध्या से चल के यहाँ पे आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि आज श्री राम का दिन है, श्री राम का रूप वो आज धारण किए हैं और गुरु जी आज गद्दी असीन राम जन्मभूमि की पे हैं और वो यहाँ पे सिर्फ हम हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, वो उनके कहने पे इतनी दूर चल के आए हैं और हमें इतना सम्मान किया आप सबसे। मेरी यही वो है कि गुरु जी के आने से मुझे ये लगा है कि अभी कुछ साक्षात भगवान आके यहाँ पे बात कर रहे हैं और जितने भी बूमरैंग के लोगों ने इसमें मदद की है या बूमरैंग जितना बूमरैंग है या जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी का आशीर्वाद मैं प्राप्त हूँ। बूमरैंग जा राजा, राजा के राज में सब सारी प्रजा, सब राजा और प्रजा सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, यही मेरी कामना है। और ऐसे अयोध्या से अयोध्या तक ये संदेश जाए और श्री राम जी की स्थापना, राम जी की गरिमा महिमा मंडित होते हुए अब जल्दी ही श्री राम जी भी अपने मूल स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। आप सबको चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सारे चैनल के पदाधिकारी, सारे भक्त और जितने भी चैनल में जुड़े हुए हैं, जितने दर्शकगण हैं, जितने श्रोताजन हैं, सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए सबसे आग्रह करता हूँ कि सब श्री राम जी की भी स्थापना दिवस में श्री अयोध्या जी सब आवें। जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए सामने देखिए सर, सर वीडियो हो या फोटो हो गया, फिर वीडियो फोटो हो गया रिकॉर्ड ऑफ टॉलेस्ट इको फ्रेंडली आइडल ऑफ लॉर्ड गणपति वॉज अचीव बाय नवमो संगठन ट्रस्ट ऑन 19 सेप्टेंबर 2023 एट भूमरंग राजा गणपति भूमरंग बिल्डिंग अंधेरी वेस्ट मुंबई इंडिया। द इको फ्रेंडली लॉर्ड गणपति गणेशा आइडल वॉज 31 feet in height and was made by the team of artists with the idol made at location itself. So, ye world record ban gaya hai. The world record of tallest eco-friendly idol of Lord Ganpati was achieved by Namo Namo Sangathan Trust on 19th of September 2023 at Boomerang Cha Raja Ganpati, Boomerang Building, Andheri West, Mumbai, India. The eco-friendly Lord Ganpati Ganesha idol was 21 feet in height and was made by the team of artists with the idol made at location itself. Thank you, sir. Thank you. Yeah, please come. 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 Come.
और ये वर्ल्ड कॉर्ड का एक मेडल भी है वो डॉक्टर अरुण शर्मा के लिए. सो यू आर द वर्ल्ड कॉर्ड. यस सर, यस सर, कंग्रेचुलेशन. गणपति बप्पा मोरे. चित्रकार का जिसने इसको बनाया है, जिसने मेरे साथ इस मूर्ति को एक रूप दिया है, भगवान का रूप दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ. और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मुझे इतनी बेहद खुशी हो रही है कि पप्पा ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है. मैं चाहता हूँ जिस तरह से मुझे पप्पा ने आशीर्वाद दिया, ऐसे सभी लोगों को आशीर्वाद दें और सभी लोग इस तरह से इको फ्रेंडली गणपति बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण में भी सपोर्ट करें और आने वाले समय में हम लोग जो हमारी जनरेशन है उसको भी सपोर्ट करें. देश और दुनिया के लिए एक मैसेज सर. सबसे बड़ी बात है, मैं नमो नमो की तरफ से मैं मोदी जी से जुड़ा हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काफ़ी पर्यावरण के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं. मैं चाहता हूँ कि वो अपनी तरफ से एक पहल करें जिस तरह से मैंने एफर्ट्स किए. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने उनको लेटर भी लिखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में जितने भी गणपति घर में आते हैं, जैसे घर घर मोदी है, ऐसे इको फ्रेंडली घर घर हो तो बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.